हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पुरांचल इंस्टीट्यूट जौनपुर से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सब ले आ रही है। जी हाँ सुन, आज हम बात करने जा रहे हैं पुरांचल विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक आपका रिजल्ट्स जारी नहीं किया गया। बच्चों के अंदर काफ़ी ये हलचल मची हुई है कि आखिर पुरांचल विश्वविद्यालय के द्वारा रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। हमने आपको इस पर दो वीडियो भी बना चुके हैं, जिसपे पहला वीडियो हमने बनाया था जहाँ पे हमने आपको बताया था पुरांचल विश्वविद्यालय के द्वारा यह योजना बनाई गई थी आपकी जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में आप सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। परंतु आपका जनवरी लास्ट वीक फरवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट नहीं जारी किया गया। उसके बाद हमने फिर से एक वीडियो बनाया कि क्या रीज़न था पुरांचल विश्वविद्यालय के द्वारा आपकी अभी तक रिजल्ट्स नहीं जारी किया गया, जहां पे पूर्वांचल विश्वविद्यालय बिना किसी बगैर टेंडर के आपके रिजल्ट्स जारी करने की तैयारी कर रहा था। परंतु आज एक बड़ी इन्फॉर्मेशन फिर से हमारे पास आई, जहां पे यह पता चला कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां पे तीन तीन एजेंसियां मिलकर आपके पूर्वांचल विश्वविद्यालय की रिजल्ट्स तैयार कर रही है। जी हाँ सुन, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे तीन एजेंसियां मिलकर जारी करेंगी पूर्वांचल विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम। जी हाँ फ्रेंड्स, यह काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए आ रही है। इस बार पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जो रिजल्ट जारी किया जा रहा है वो किसी एक या दो एजेंसी नहीं बल्कि तीन एजेंसियाँ मिलकर एक रिजल्ट जारी करेगी, जो आपके कह सकते हैं कि और सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट होने वाला है, चाहे वो यूजी के स्टूडेंट हो चाहे वो पीजी के स्टूडेंट। ऐसा पहली बार हो रहा है कि तीन तीन एजेंसियां मिलकर किसी भी एक रिजल्ट को जारी करने की जिम्मेदारी ले रही हैं। अब इस टॉपिक पे हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे जो हमारी कुलपति हैं श्रीमती प्रोफेसर वंदना सिंह, उनका भी क्या कहना है, क्या कारण है कि जो तीन तीन एजेंसियाँ हैं वो मिलकर आपके रिजल्ट तैयार करने की कोशिश में लगी हुई हैं। और अगर तीन तीन एजेंसियाँ लगी हुई हैं आपके रिजल्ट को जारी करने में, तो फिर आपके लिए रिजल्ट को जारी करने में आखिर लेट क्यों हो रही हैं। तो आई स्टूडेंट्स, इस टॉपिक काफी डिटेल में डिस्कस करने से पहले आप हमारे वीडियो केमिस्ट्री वाइज सेक्शन शास्त्र को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। अगर हम बात करें क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहां पे आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय में इस बार एक दो नहीं बल्कि तीन तीन एजेंसियां मिलकर परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स हमने आपको पहला बता दिया है कि इस बार तीन एजेंसी मिलकर काम करने वाली हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो फर्स्ट एजेंसी है, जो सेकंड एजेंसी है और थर्ड एजेंसी, वो किस प्रकार से आपका कार्य कर रही है रिजल्ट को जारी करने में। अगर हम बात करें जो फर्स्ट एजेंसी है, पहली एजेंसी ने उत्तर पुस्तकों को कोडिंग, मूल्यांकन और डिकोडिंग का कार्य कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट जो एजेंसी है उसका क्या कार्य था, वो आपकी कॉपियों की कोडिंग करती थी, कॉपियों का मूल्यांकन करेगी और उसके बाद कॉपी को फिर से डिकोड करेगी। अब ये कोडिंग क्या होती है, मूल्यांकन क्या होती है और डिकोडिंग क्या होती है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, आप लोग जो एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद जो आपकी कॉपी का जो बंडल होता है, जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचता है, तो उस कॉपियों का बंडल का क्या होता था, कोडिंग कर दी जाती है। कोडिंग इसलिए की जाती है जैसे जो कॉपियों का मूल्यांकन टीचर्स को दिया जाएगा, तो टीचर ये जानना पाए कि कॉपी किस कॉलेज का है, क्योंकि इसमें पार्शियलिटी भी हो सकती है। इनकेस कोई भी टीचर टीडी कॉलेज का है और टीडी कॉलेज के बच्चों का कॉपी पा गया, मे बी ये चांसेस बन जाते हैं कि टीडी कॉलेज के बच्चों को ज्यादा नंबर दे दिया जाए। कोई टीचर राज कॉलेज का है तो राज कॉलेज की कॉपी पा जाएगा, कोई टीचर मोहम्मद हसन का है तो वहाँ की कॉपी पा जाएगा, तो अपने कॉलेज के साथ पार्शियलिटी कर लेगा, नंबर ज्यादा दे देगा। इसलिए सभी कॉपियों की क्या हो जाती है, कोडिंग कर दी जाती है, जिससे किसी भी टीचर को यह ना पता चले कि ये कॉपी किस कॉलेज की हम चेक कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपकी कॉपी की कोडिंग कर दी जाती है। कॉपी कोडिंग होने के बाद फिर कॉपी का क्या किया जाता है, मूल्यांकन कराया जाता है। जब कॉपी का मूल्यांकन कराया जाता है, मूल्यांकन कंप्लीट होने के बाद फिर से कॉपी आपकी एक बार पुनः डिकोड कर दी जाती है। कहने का मतलब, जो कोडिंग होती है उस कोडिंग को हटा दी जाती है, जिससे कॉपी फिर एज यूजुअल नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एजेंसी ने काम किया वो आपका इस प्रकार काम किया, वो कॉपी की कोडिंग करती थी, मूल्यांकन किया और उसको क्या किया, आप कॉपी को डिकोड कर दिया। परंतु अब यहाँ पे देखिए, अभी आपकी कॉपी का नंबर चढ़ना नहीं स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए जो आपकी सेकंड एजेंसी है वो क्या काम कर रही है। सेकंड एजेंसी की बात करें, अब रिजल्ट जारी करने व अंक पत्र प्रिंट करने की जो जिम्मेदारी है दूसरी एजेंसी को टेंडर दिया गया है। जो आपकी सेकंड एजेंसी है, अब उसको क्या दिया गया जिम्मेदारी, अब उसको रिजल्ट तैयार करने की दिया गया है, और उसके साथ साथ जो आपके अंक पत्र जारी करने की जो टेंडर है उसको दिया गया। परंतु यह जो एजेंसी सेकंड एजेंसी वर्क कर रही है, यह 9 फरवरी तक इसके वर्क करने की अंतिम वैलिड डेट थी। 9 फरवरी के बाद यह एजेंसी कार्य करना बंद कर देगी। अब जब 9 फरवरी को एजेंसी कार्य करना कम बंद कर देगी, तो उसके बाद आपकी जो तीसरी एजेंसी है वो कार्य करना शुरू करेगी। कहने का मतलब, जो तीसरी एजेंसी है फिर 9 फरवरी के बाद से आपके रिजल्ट्स प्रिंट करेगी, रिजल्ट्स जारी करने की जिम्मेदारी तीसरी एजेंसी को दे दिया जाएगा। इसकी अंतिम तिथि 9 फरवरी निर्धारित की गई है। ऐसे परीक्षा परिणाम विलंब से जारी होने के आसार हैं। इसके साथ साथ तीसरी एजेंसी का टेंडर आगे किया जाएगा। कहने का मतलब, जब सेकंड एजेंसी का टेंडर कंप्लीट हो जाएगा, देन आपकी जो थर्ड एजेंसी है वो कार्य करना स्टार्ट कर देगी। तो थर्ड एजेंसी कब से कार्य करेगी भैया, वो आपकी 9 फरवरी के बाद से कार्य करना स्टार्ट कर देगी। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अगर हम बात करें, जौनपुर व गाजीपुर से संबंधित 573 महाविद्यालयों में प्रवेशित स्नातक में बीए, बीएससी, बीकॉम, स्नातकोत्तर, एमए, एमएससी, एमकॉम के छात्राओं की उत्तर पुस्तकाओं की कोडिंग का कार्य पूरा हो चुका है। जैसा हमने बताया, तो फर्स्ट एजेंसी ने कर दिया था, गत वर्ष की भांति इस बार भी पूर्वांचल विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय से पहले परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी में था, लेकिन एक कानूनी अड़चन के मामले में फंसा दिया गया। अब यहाँ पर देख सकते, एक कानूनी अड़चन आ गया, जिसकी वजह से आपके कॉपियों का क्या हो गया, मूल्यांकन तो हो गया परंतु रिजल्ट नहीं जारी किया जा सका। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले अगर बात करें, जो आपकी कंपनी थी, जो सेकंड एजेंसी थी, वो आपकी क्या थी, कौन सा थे, यहाँ पे आप एलसी
डिजिटेक्स टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ की उत्तर पुस्तिका को कोडिंग रिकॉर्डिंग मूल्यांकन परीक्षा परिणाम जारी करने की जिम्मेदारी दी गई थी, परंतु अब इसे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जी हां, बीच में काफ़ी अफवाहें फैलाई गई थी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय में काफ़ी धांधली हो रही है, और धांधली की बात जब भी सुना गया पूर्वांचल विश्वविद्यालय तो कुलपति के द्वारा ये जो सेकंड एजेंसी वर्क कर रही थी वो उसको क्या कर दिया गया, तुरंत उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया। इसी वजह से 9 फरवरी के बाद से ये जो सेकंड एजेंसी वो कार्य करना बंद कर दी गई। अब जो नई एजेंसी है वो आपकी कौन है, 2023-24 की उजी पूजी की उत्तर पुस्तिकाओं के कोडिंग मूल्यांकन और डिकोडिंग की जिम्मेदारी अब नई एजेंसी को जो दिया गया। अब जो नई एजेंसी है वो कौन है भैया, वो आपकी यूपी डिस्को की ई कायर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसको यह नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो अब आके आपकी कॉपियों का मूल्यांकन करना स्टार्ट करेगी, आपके रिजल्ट्स बनाना तैयार करेगी। तो इस प्रकार देख सकते हैं क्या रीज़न है आपके जो रिजल्ट्स डिले हो रहे हैं आने में। जहाँ पे अगर हम बात करें, अगर कल ही की बात की, जब हमने कल वीडियो परसों वीडियो अपलोड किया था तो उसके दौरान बच्चे ने एक कमेंट किया, सर मैं रेगुलर अपना वेबसाइट खोल के पूर्वांचल विश्वविद्यालय का चेक करता हूँ कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। और फिलहाल अभी बच्चों बता दें आप सबके लिए रिजल्ट में और काफ़ी टाइम होने वाला है। जो बात हमारे इस चैनल पे प्लेटफॉर्म पे होती है काफ़ी फैक्चुअल बात होती है, यहाँ पे फंसाने की बात नहीं होती, जो भी बात की जाती है किसी न किसी नोटिस के तहत बात की जाती है, जो बात की जाती है किसी न किसी एक एंथ्रेटिंग न्यूज़ की बात की जाती थी। यहाँ पे अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं आप समझदार भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी हैं, आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं यदि आपके कॉलेज में अभी प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, यदि आपके कॉलेज में अभी वाइबा हो रहा है तो आपके रिजल्ट कैसे जारी कर दिए जाएंगे। यदि आपके क्लास का अभी प्रैक्टिकल और वाइबा हुआ उसके बाद एक हफ्ते बाद आप ये सोच सके कि आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, परंतु यदि आपके कॉलेज में भी प्रैक्टिकल और वाइबा हो रहा है, यदि आपका कोई भी मित्र है यार दोस्त है वो किसी अन्य कॉलेज से रिलेटेड है, उसके कॉलेज में भी अभी प्रैक्टिकल और वाइबा नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं जब आपके और आपके मित्र का प्रैक्टिकल वाइबा कॉलेज नहीं हो पाया तो रिजल्ट जारी करने की कोई संभावना ही नहीं बन रही है। तो इसलिए आप भी वेट करते रहिए, क्योंकि अभी टीडी कॉलेज में, चाहे वो राज कॉलेज में हो, चाहे मोहम्मद हसन में हो, चाहे सिया कॉलेज में हो, चाहे आपके कोई भी अन्य कॉलेजेस हों, कहीं भी प्रैक्टिकल वाइबा नहीं हो पाया, हर जगह प्रैक्टिकल वाइबा के कार्य चल रहे हैं। किसी न किसी डेट पर डे आप देख सकते हैं, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी यहाँ अपडेट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि इस डेट पे टीडी कॉलेज में इस सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, इस डेट पे इस सब्जेक्ट का आपका वाइबा एग्जाम है, तो हम आपको अप टू डेट करते रहते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अभी आपके जो प्रैक्टिकल और वाइबा एग्जाम हो रहे हैं तो रिजल्ट जारी करने की कोई बात ही नहीं बनती, कोई संभावना ही नहीं बनती। हाँ, परंतु पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा गया है कि हम रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश होगी वो क्या हो सकती है, जैसे कहने का मतलब अगर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पास 10 से 12 कॉलेज के नंबर की लिस्ट आ जाएगी, वो क्या कर देगी, वो 10 से 12, 15 कॉलेज, 50 कॉलेज का लिस्ट क्या कर देगी, जारी कर देगी रिजल्ट, और उसके बाद जितने भी कॉलेज के नंबर नहीं आएंगे उन कॉलेज का नंबर रोक देगी। फिर जैसे जैसे वो कॉलेज अपना प्रैक्टिकल वाइबा कंप्लीट करते रहेंगे, वो अपना नंबर यूनिवर्सिटी की तरफ भेजते रहेंगे और यूनिवर्सिटी फिर उन दोनों कॉलेजेस के नंबर को अपडेट करते रहेगी और उन सभी कॉलेजेस के नंबर आते रहेंगे। इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर यदि आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास इस चीज़ का बेसिक नॉलेज हो, क्योंकि आप देखते आ रहे हैं किसी प्रकार पूर्वांचल यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट जारी करती आ रही है, तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी इस प्रकार से भी आपके रिजल्ट जारी कर देगी कि अगर कॉलेजेस के जिनके रिजल्ट्स पहले पहुंचते जाएंगे, जिनके प्रैक्टिकल वाइबैक नंबर पहले पहुंचते जाएंगे, उन सभी कॉलेजेस का नंबर यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, और जिन कॉलेजेस का नंबर डिले पहुंचेगा, लेट पहुंचेगा, उनका रिजल्ट और लेट होता जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स आप सब परेशान मत होइए, आप लोग सिर्फ इतना ध्यान दिया करिए कि यदि आपके कॉलेज में जब तक प्रैक्टिकल और वाइबा नहीं होगा, जब तक आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल और वाइबा नहीं होगा तब तक आपके कॉलेज का रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा भी चांसेस हो सकता है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय यदि कॉलेज में प्रैक्टिकल वाइबा नहीं हो रहा, सिर्फ आपके थ्योरी का नंबर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा भी दे दिया जाए, उसके बाद जब आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल वाइबा हो जाएगा उसके बाद उसको अपडेट किया जाएगा। ये भी संभावनाएं बन सकती हैं कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यदि सभी चीज़ें अप टू डेट हो जाएंगी तो आपके थ्योरी का भी नंबर दे सकता है, उसके बाद जारी कर देगा आपके रिजल्ट, उसके बाद जैसे जैसे आपके वाइबा होते जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल होते जाएंगे, उसके बाद आपका पुनः रिजल्ट पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार सभी पॉसिबिलिटी बनती चली जाती है, परंतु आप सब परेशान ना होया करिए। यदि आपका रिजल्ट आने की जो संभावनाएं बन रही हैं, अभी भी आप मान लीजिए फरवरी के लास्ट वीक तक पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और सभी कॉलेजों के ऊपर ये प्रेशर भी डाला गया कि जल्द से जल्द आप अपना प्रैक्टिकल वाइबा कंप्लीट करके हमारे पास नंबर की लिस्ट भेजिए, और जिससे हम बच्चों का रिजल्ट क्या कर सकते हैं, जारी कर सकें। इस प्रकार आप सबके लिए काफी बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते हैं। फर्दर किसी प्रकार अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय सत्यम शास्त्र को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।